बच्चों नमस्ते। आज मैं आप लोगों को सैनिक स्कूल के फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। मैं खुद सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ा हूं, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर के अंदर किस तरीके से हमारी दिनचर्या होती थी, हमारा फिजिकल ट्रेनिंग होता था। सुबह 5 बजते ही हमारी नींद खुलती थी एक लाउड अलार्म से, और 5 से लेकर 5:45 यानी कि 45 मिनट्स का टाइम हमें दिया जाता था तैयार होने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए। 5:45 पे दोबारा से एक अलार्म बजता था, जिसका मतलब ये होता था कि हमें हॉस्टल के सामने एक छोटे से ग्राउंड में इकट्ठा होना है, जहां पर हमारे लिए काउंटिंग की जाती थी। वहां पर हमारे सारे बच्चे अवेलेबल होंगे, इसकी जिम्मेदारी होती थी स्कूल कैप्टन और हाउस कैप्टन की। हाउस कैप्टन हमें इकट्ठा कराते थे, हमारी काउंटिंग करके स्कूल कैप्टन को रिपोर्ट करते थे, और स्कूल कैप्टन हमारे पीटीआई यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को जाकर रिपोर्ट करते थे। जैसे ये क्लियर हो जाता था कि सारे बच्चे अवेलेबल हो चुके हैं, हम प्रस्थान करते थे हमारे मेन ग्राउंड के लिए। हमारा मेन ग्राउंड हमारे हॉस्टल से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर था। मेन ग्राउंड जाने के लिए हमें रनिंग करके जाना होता था, ना कि वॉक करके। तो जैसे ही 5:55 होता था, हम शुरू करते थे अपनी रनिंग, और रनिंग करते हुए हम पहुंचते थे हमारे मेन ग्राउंड पे। और मेन ग्राउंड के हम 2-3 चक्कर लगाते थे, और ग्राउंड काफी बड़ा होने की वजह से हमारा ऑलमोस्ट रनिंग जो था वो अराउंड 4 किलोमीटर का हो जाता था, हॉस्टल से लेकर ग्राउंड में आके स्टॉप करते था। जैसे ही हमारी 4 किलोमीटर की रनिंग हो जाती थी, हमारा बॉडी काफी वार्म अप हो जाता था, तो हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर हमें कहते थे स्ट्रेचिंग करने के लिए। स्ट्रेचिंग में हम हर तरीके की स्ट्रेचिंग करते थे, चाहे वो हाथ की स्ट्रेचिंग हो, पैर की हो, कमर की हो, और ओवरऑल जब हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल थोड़ा हो जाता था, फिर हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर हमें कराते थे कुछ टफ एक्सरसाइजेस। एग्जाम्पल के लिए हमें इतना ट्रेनिंग, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता था कि हम लोग 40-50 पुशअप्स बड़ी इजिली कर लेते थे, हम 40-50 सिटअप्स कर लेते थे। डेफिनेटली हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं था, बट ऑन एवरेज अगर मैं बोलूं तो 30 पुशअप और 30 सिटअप तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। और हमारे यहाँ स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जो 6th क्लास से बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा टफ फील करते हैं, थोड़ा उनको मेहनत बहुत कम फील होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी आदत नहीं होती है। बट लेट मी गारंटी यू, आपने अगर अपने बच्चों को सिर्फ 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा टॉर्चर सहने को कह दिया, तो अगले 3 महीने के अंदर में वो खुद इतना अच्छा हो जाएगा, फिट हो जाएगा, कि वो खुद 50 पुशअप्स बहुत इजीली मार लेगा, जैसा मैं और मेरे दोस्त मारा करते थे। सैनिक स्कूल में जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो एक चीज थोड़ी सी मजेदार है कि बच्चे कितने भी छोटे हो, हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर थोड़ा भी दया नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बोला ही गया है कि मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए फुल। और मिलिट्री ट्रेनिंग में कोई भी हम दया वाली बात नहीं करते हैं, अगर 50 पुशअप करने हैं तो करने ही पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले हॉस्टल से गए ग्राउंड, ग्राउंड में किया हमने रनिंग, और रनिंग के बाद हमने स्ट्रेचिंग किया। स्ट्रेचिंग के बाद हमारे पास पुशअप, सिटअप और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग एक्सरसाइजेस करते थे। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से 2 राउंड ग्राउंड के लगाने को कहा जाता था, और वहां से ग्राउंड से वापस हम हॉस्टल तक या तो दौड़ के आते थे या तो वॉक करके आते थे, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर का मूड कैसा है। अगर मूड अच्छा है तो ग्राउंड से वॉक करके आओ, और अगर मूड खराब है तो दौड़ के आओ। लगभग लगभग 1 घंटे की ये फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। 7 AM तक हम घर पहुंच जाते थे, यानी कि हॉस्टल पहुंच जाते थे, और हमें आधे घंटे का टाइम मिलता था नहाने के लिए और तैयार होने के लिए, ताकि 7:30 पे हम ब्रेकफास्ट कर सकें। ब्रेकफास्ट, लंच और ये सब की डिटेल्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैं आपको पूरी रूटीन समझा दूंगा एक अलग वीडियो में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं सैनिक स्कूल की शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मैंने 7 साल अपने सैनिक स्कूल में बिताया है, तो मुझे आइडिया है कि वहां अंदर के अंदर में क्या चीजें होती हैं, खाना कैसा मिलता है, सब शेयर करूंगा। तो होप आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो देखने मजा आया होगा। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको हमारे कोर्स को एनरोल करना है, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन चाहिए आपको, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।